क्वेश्चंस डाउट्स ऑफ 14 अप्रैल, देखो वहां पे क्या है। तो सिक्स क्वेश्चन फर्स्ट डाउट है, वहां पे क्या है, फोर्स जब 50 न्यूटन है तब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब फोर्स 50 न्यूटन है तब वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका मतलब क्या रहता है? तो टोटल फोर्स जीरो होगा तभी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब जब भी फोर्स रहता है तो एक्सेलरेशन रहना ही चाहिए, तो एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब टोटल फोर्स जीरो है। 50 न्यूटन लगाने के बाद भी टोटल फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स 50 होगा। तो वो मैंने केस यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो अप्लाइड फोर्स भी 50 है, फ्रिक्शनल भी 50 है, इसलिए टोटल फोर्स जीरो है और वेलोसिटी क्या है? कॉन्स्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या हुआ है? अभी अप्लाइड फोर्स चेंज किया लेकिन फ्रिक्शन तो चेंज नहीं होगा, वो तो 50 रहेगा, और एक्सेलरेशन कितना दिया है? फिर 1 दिया है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ किया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपन मास। तो ये आंसर कितना आता है? 550 न्यूटन आता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या है? लिफ्ट है, मास उसका 800 है, और लिफ्ट नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और लिफ्ट स्टॉप हो गया, मतलब डी एक्सेलरेट हो गया, अभी वेलोसिटी कम हो रहा है। डी एक्सेलरेशन जब होता है तब वेलोसिटी का डायरेक्शन, याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, डी एक्सेलरेशन जब होता है तब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। अभी इधर वेलोसिटी नीचे है, मतलब एक्सेलरेशन किधर रहना चाहिए? ऊपर है, तो एक्सेलरेशन ऊपर है, इसलिए वेलोसिटी थोड़े टाइम के बाद 10 से कितना बनता है? 0 बनता है, और लिफ्ट स्टॉप होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने इक्वेशन कौन सा यूज़ किया है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो इक्वेशन अप्लाई किया। वी लिफ्ट का फाइनल वेलोसिटी 0, लिफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन ऊपर है इसलिए निगेटिव, नीचे वाला मैंने प्लस पकड़ा है, तो नीचे वाला वेलोसिटी भी मैंने क्या लिया है? प्लस 10 लिया है, वैसे भी वो स्क्वायर है, प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एस, ए के लिए माइनस आया है, ऊपर है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसलिए माइनस। इसको सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन कितना आया? 2। इसका मतलब क्या है? 2 एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अभी यहाँ पे लिफ्ट के लिए ऊपर टेंशन टी है, नीचे फोर्स कितना है? mg है, एंड ओवरऑल फोर्स किधर रहेगा? ऊपर ही रहेगा, टेंशन बढ़ा रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर है। लिफ्ट भले ही नीचे जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन किधर है वो देखना जरूरी है, एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर है। तो टी माइनस mg अपॉन m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, f अपॉन m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने? f अपॉन m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो 2 है और फोर्स टोटल कितना है? टी माइनस mg। उसको सॉल्व करने के बाद 9600 आता है। देन क्वेश्चन नंबर 28 बोनस है, आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? ये हेलिकल मोमेंट है, हेलिक्स फॉर्म करता है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो स्ट्रेट लाइन में जाता है चार्ज्ड पार्टिकल, अगर परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, और एंगल पे है तो हेलिक्स फॉर्म करता है। तो यहाँ पे एंगल पे है, कितना एंगल पे है? दोनों का बी और वी में एंगल कितना है? 30 डिग्री है। फॉर्मूले याद नहीं आ रहे तो एक बार रिवाइज करो, तो बी और वी में एंगल है कितना? 30 डिग्री। तो वी साइन थीटा परपेंडिकुलर है, वी कॉस थीटा पैरेलल है, तो वी साइन थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन और वी कॉस थीटा की वजह से क्या होता है? लीनियर मोशन। तो पिच का फॉर्मूला क्या रहता है? टाइम पीरियड इंटू वी कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड कितना रहता है? 2πm/3 इंटू वी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे दो सर्कल कंप्लीट करता है ऐसा दिया है, तो दो, एक सर्कल में एक पिच, सेकेंड सर्कल में दूसरा पिच। तो एक जब वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, जब तक वो एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है तब तक कितना आगे जाता है उसको बोलते हैं पिच। तो कितना? दो सर्कल्स में दो पिचेस कंप्लीट करेगा, तो इसलिए कितना आएगा आंसर? 2 × 2πm। 2 क्यों आया? क्योंकि दो पिचेस है, और वो एक पिच का फॉर्मूला 2πm/3 टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वी कॉस थीटा। सब वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आता है। m कितना पुट करने का? प्रोटॉन का जो मास है वो, q प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पुट करने का, बाकी सब तो दिया है उधर। देन क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? 50 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसको फोर्स f लगाया 10 सेकेंड्स, उसके बाद उसका वेलोसिटी इतना हुआ वो दिया नहीं है, वेलोसिटी कितना हुआ? इतना हुआ कि वो 80 मीटर कंप्लीट करता है 10 सेकेंड में, तो फाइनल वेलोसिटी उसका निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालने का? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आया 8। तो वापस से अभी इधर फाइनल वेलोसिटी 8 हुआ है, इनिशियल तो रेस्ट पे था,
इतना वेलोसिटी बढ़ा क्यों? बिकॉज ऑफ फोर्स एफ। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया v इज इक्वल टू यू प्लस एट्टी। वी फाइनल कितना? 8 है। इनिशियल कितना वेलोसिटी है? 0। एक्सेलरेशन कितना? फोर्स अपॉन मास इंटू टाइम कितना? 10 सेकेंड। वो कैलकुलेट करने के बाद फोर्स आता है 40 न्यूटन। देन 41 में क्या है? एकदम सिंपल है, नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला टेंशन दोनों सेम चाहिए, तो टी इज इक्वल टू एम जी साइन 60 करने का आंसर आ जाएगा। देन 44 में क्या? हर एक मास का अलग अलग करने के लिए करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। टेंशन जो टी टू टेंशन वाला जो स्ट्रिंग है और टी वन टेंशन वाला स्ट्रिंग है, वो दोनों तो मासलेस है, कुछ दिया नहीं तो मासलेस पकड़ने का। तो जो मैंने सर्कल किया उन सब लोगों को अगर मैंने एक ही मास कंसिडर किया, तो ऊपर का टेंशन टी थ्री और नीचे का फोर्स एम जी दोनों क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो टी थ्री इज इक्वल टू एम जी लिखा। कितना मास है टोटल? वो सर्कल जो किया है उसमें टोटल कितना मास है? 3 + 2 + 1 6 kg है। तो 6g नीचे है, टेंशन T3 ऊपर, सब इक्विलिब्रियम में, तो T3 इज इक्वल टू 6g। वैसा ही कैलकुलेट किया तो T2 कितना आएगा चेक करो एक बार, और T1 भी कितना आएगा चेक करो। तो T2 कितना आएगा? 5g आएगा, T2 5g आएगा, और T1 कितना आएगा? 3g आएगा।